धमतरी जिले के बेबेझर सिवडी रोड नहरपुर में मिले एक युवक की लाश का साइबर सेल और पुलिस ने खुलासा कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 9 अक्टूबर को सिवडी रोड नहरपुर में एक युवक का शव मिला था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। शव के दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, जिसकी पहचान ग्राम कंडेल निवासी किशोर साहू के रूप में हुई। वही पुलिस हत्या की आशंका जताते हुए आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसके चलते पुलिस ने मृतक के दोस्तों से कड़ाई से पूछताछ की, जिस दौरान पता चला कि मृतक किशोर आखिरी बार ग्राम आगरा निवासी मुकेश साहू के साथ देखा गया है। जिसके बाद पुलिस ने मुकेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तब आरोपी किशोर ने हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस का कहना है कि मृतक किशोर को ज्यादा नशा हो गया था, जिस पर किशोर को उसी के बाइक में आरोपी बैठा कर ले गया और किशोर के नए मोबाइल और बाइक को अपना बनाने के लिए आरोपी ने उसके हाथ पैर को बांध कर पानी में डुबा कर मार दिया। दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को हमें बिरजहर पुलिस चौकी में एक शिकायत प्राप्त हुई कि सिरी गांव के पास नहर में एक अज्ञात शव बहकर आ गया है। हमने तत्काल पुलिस बल मौके पर भेजा, वहां पर उस शव को निकाला और उसकी पतासाजी की, तो उसकी पहचान कंडेल निवासी किशोर साहू, 24 वर्षीय किशोर साहू के रूप में हुई। विवेचना के दौरान हमें यह पता चला कि जो संबंधित मृत व्यक्ति है किशोर साहू, उसको अंतिम बार मुकेश साहू, उसी के गांव का एक व्यक्ति है, उसके साथ देखा गया है। मुकेश साहू और उसके जो अन्य दोस्त हैं उनसे पतासाजी कर उनसे पूछताछ की गई, कड़ी पूछताछ की गई। उसमें उन्होंने ये बताया कि दिनांक 7 तारीख को ये लोग गागरा रोड पर रोड के किनारे शराब पी रहे थे। किशोर साहू वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था। जो आरोपी है उसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक को वो गाड़ी में लेकर डांडेसरा के पास नहर के पास आया और उस वहाँ पर पड़े पास में पड़े एक कपड़े से उसके दोनों हाथ और दोनों पैर को बांधकर उसने नहर में डाल दिया उसका, ताकि मृतक के पास जो मोटरसाइकिल है और उसका जो फोन है उसको वो उसका हो जाए, उसको वो ले गए। इस बेसिस पे हमने आरोपी को अरेस्ट कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।